किसी का दोष नहीं है कि मैं क्यों नहीं छुपता, क्योंकि ये मटेरियल में मिला हुआ है। जैसे आप मकान बनाते हैं तो बालू सीमेंट को मिक्स करते हैं, ईटा पत्थर रख करके उसको ज्वाइंट करते हैं। अब कोई कहे इस मकान से सीमेंट निकाल दो, तो जब मकान से सीमेंट निकालोगे तो मकान की दीवार खड़ी रहेगी, जब सीमेंट निकालने लगोगे तो बालू भी गिरेगी, और जब बालू और सीमेंट ज्वाइंट से गिर जाएंगे तो पत्थर भी गिर जाएंगे। तो क्या ये शरीर से अहंकार को भगाया जा सकता है? नहीं भगाया जा सकता, क्योंकि उसका संबंध इस जीन से है। जब तक ये रहेगा तब तक मैं रहेगा। तो क्या करें? तो एक सज्जन गोस्वामी तुलसीदास जी के पास चले गए, बाबा ये मैं हमको मार रहा है, आप बताओ ये मैं मर जाए। गोस्वामी जी ने कहा, भैया एक काम करो ना, रास्ता बदल दो, रास्ता बदल दो। क्या बदलना है? बोले जो स्वयं के लिए मैं करते हो, मैं तो रहेगा पर उस मैं को परमात्मा के साथ में जोड़ दो, उस मैं को परमात्मा के साथ में जोड़ दो। और जब परमात्मा के साथ में मैं को जोड़ दोगे तो वो मैं भी तुम्हारी मुक्ति का साधन बन जाएगा। हनुमान जी ने जोड़ा। हनुमान जी कहीं भी जाते, कोई पूछता, जब लंका में गए, और वाल्मीकि रामायण में बड़ा अद्भुत वर्णन है, जब रावण ने जब पूछा कौन हो तुम, ए बंदर कौन हो तुम, तो हनुमान जी मुस्कुराते हुए बड़े गर्व के साथ कहते हैं, रावण दासो हम कौशलेंद्रस्य, मैं राम का दास हूं, मैं राम का दास हूं। रावण हंस पड़ा, अरे इतने बलिष्ठ लगते हो, दास हो? हनुमान जी ने कहा, दास तो तू भी है पर अंतर इतना है, मैं राम का दास हूं, तू काम का दास है। संसार में ऐसा कोई है ही नहीं जो दास ना हो, पर जो काम के दास हैं वो उदास रहते हैं और जो राम के दास हैं वो प्रसन्न रहते हैं। अस अभिमान जाइ जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, शरीर के प्रति अहमता को छोड़ दो, परमात्मा के साथ जोड़ दो। मानिय सब ही राम के नाते, ईश्वर के संबंध से संसार में ममता करो, चल जाएगा कि हम तो राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम तो राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम तो राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम तो राम जी के, राम जी हमारे हैं, मेरी आंखों के तारे हैं, मेरी आंखों कर दो। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा, धर्म का भजन करो। अब समस्या ये खड़ी हुई कि धर्म का भजन कैसे करें? धर्म के पीछे तो महाराज बड़े बड़े झगड़े हो रहे। तो वाल्मीकि जी से पूछा गया, ये धर्म है क्या? तो वाल्मीकि जी वाल्मीकि रामायण में बता रहे हैं, रामो विग्रहवान धर्मो,
परमात्मा ही धर्म है, परमात्मा ही धर्म है। लोक धर्म तो अलग अलग हो सकते हैं, पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, गुरु का धर्म, शिष्य का धर्म, माता का धर्म, भाई का धर्म, पत्नी का धर्म, बहन का धर्म, राज धर्म, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, वो लोग तो लोक धर्म है। पर जहां परम धर्म की जहां बात कही जा रही है, वो परमात्मा स्वयं धर्म है। और एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, परमात्मा एक है, दूसरा नहीं है हमारा। ये जो लोग नाना प्रकार की बातें करते, भ्रांतियां हैं। हां, वही रामदास, वही रामकुमार किसी का पिता है, बच्चे उसको पापा कहते हैं, ससुराल में जाता है तो साले के बच्चे उसको फूफा कहते हैं, साली के बच्चे उसको मौसा कहते हैं, भाई के बच्चे उसको चाचा कहते हैं, छोटे भाई के बच्चे उसको ताऊ कहते हैं, है तो राम कुमार, है तो राम कुमार। पर संबंध के द्वारा उसके नाम अलग अलग हो गए। ऐसे ही परमात्मा एक ही है, पर संबंध के कारण अलग अलग नामों से वो जाना जाता है। अब कोई कहे नहीं, वो राम कुमार, राम कुमार की मां कहे राम कुमार तो मेरा बेटा ही है, तो संभव है? वो तो तुम्हारा मां बेटे का संबंध है, संबंध से उसे बेटा कहा जा रहा है, पर है वो राम कुमार। जैसे परमात्मा एक है, ऐसे ही धर्म भी एक है। तो लोग धर्म का परिवर्तन करते हैं, धर्म बदलते हैं, कैसे संभव हो सकता है? अरे उस राशन कार्ड में बाप का नाम नहीं बदल सकते हो, तो धर्म कैसे बदल सकते हैं? राशन कार्ड में, आई कार्ड में नाम बदल दो, नहीं बदल सकते। यदि बदलेंगे तो सारा रिकॉर्ड खराब हो जाएगा, सारे सर्टिफिकेट खराब हो जाएंगे, प्रॉपर्टी से बेदखल हो जाओगे। तो संसार में, सामान्य धर्म में, जब हम बाप नहीं बदल सकते, तो फिर धर्म कैसे बदला जा सकता है? बदलना है तो हृदय बदलो, बदलना है तो हृदय परिवर्तन की आवश्यकता है। और हृदय का परिवर्तन सिर्फ कथा करती है, भगवान भी नहीं कर पाते। भगवान तो कहते मैं केवल चेहरा बदलता हूं, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावो निज सहज स्वरूपा। पर जो प्रकृति है, वो प्रकृति का परिवर्तन कथा के द्वारा होता है। और वो कथा कहां मिलेगी? वो कथा संतों के द्वारा प्राप्त होती है। पिताजी धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, बड़ा अद्भुत उपदेश दिया। और बेटे का उपदेश देखो, अच्छी बात किसी के द्वारा कही जाए उसे मानना चाहिए, तभी जीवन सुखी होगा। हम लोग मानते नहीं हैं। बुरी बात तो मान जाते हैं, बुरी बात तो लग जाती है, पर अच्छी बात नहीं लग पाती। अच्छी बात लगनी चाहिए। बुरी बात को तो रात गई बात गई, बीती ताही विसार के आगे की सुधले। पुत्र ने उपदेश दिया, आत्मदेव जी भागवत जी का दसम स्कंद का पारायण करते वृंदावन धाम में वास करके अपने जीवन को धन्य किया। इधर गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में निकल गए, कौन इसके पचड़े में पड़े, और इसने उत्पात शुरू कर दिया, सारा घर का सामान बेच डाला। महाराज
जब सब कुछ खत्म हो गया तो एक दिन प्यारी प्यारी मैया को पकड़ लिया, पकड़ करके सुध जी कहते सौनक चेत लात तया, लात से घूसों से खूब मारा, बता वो धन कहां गड़ा हुआ है बता। इतनी दुखी हुई कि वो जाके कुएं में कूद के मर गई, स्वतंत्र हो गया। रूप रस गंध शब्द स्पर्श इन पांच विषयों को वैश्याओं को घर में डायरा डाल दिया। राजा के यहां चोरी करी, कड़े छड़े लेकर के आया। वैश्याओं ने पहना, पहनने के बाद विचार किया कि राजा की चोरी है, खुलेगी तो पकड़ी जाएंगी, इसलिए उसको वहीं पर जलते हुए अंगारे मुख में भर भर करके मार डाला महाराज। यहां पर कबीरदास जी की वो पंक्ति याद आती है, भजोरे भैया राम गोविंद हरि, भजोरे भैया राम गोविंद हरि, भजोरे भैया राम गोविंद हरि, भजोरे भैया राम गोविंद हरि। जप तपसाधन कछु नहीं लागे, 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 खर्चे नहीं गठरी, भजोरे भैया राम था, इसलिए इसके मुख में जलते हुए अंगारे ठूस ठूस कर इसको मार डाला। वहां से चली गई महाराज। बहुत समय बीतने के बाद गोकर्ण जी अपने जन्मभूमि आए, रात्रि में विश्राम करने लगे तो यह नाना प्रकार के रूप दिखाने लगा। गोकर्ण जी ने कहा भैया कौन हो, बोलने का सामर्थ्य नहीं था। गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया, मंत्र से अभिषिक्त करके जल का छींटा दिया। जैसे जल का छींटा दिया तो थोड़ा पाप दूर हुआ और उसने कहा अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, भाई मैं तुम्हारा भाई हूं, धुंधकारी इति नाम था। गोकर्ण जी ने कहा ऐसे कैसे हो गया, अरे मैंने तो तेरे लिए तीर्थों में श्राद्ध किया, पिंड किया, गया श्राद्ध भी किया और तेरी गति नहीं हुई, ये कैसे हो गया। धुंधकारी ने कहा स्वकीय नहीं बदोसेण, भाई मैं अपने ही कर्मों के द्वारा ब्रह्मणत्वम नाशितम मया, मैंने ब्राह्मण का शरीर पा करके और इसको नष्ट कर दिया। जिस ब्राह्मण तन के लिए शास्त्र कहता है ब्राह्मण से शरीरोयम क्षुद्र कामो न नेस्सते, तो मेरे भाई गया से मुक्ति नहीं हुई। कई लोग कहते हैं कि वो बहन का उनके बेटा था, मासी मासी के थे तो श्राद्ध गोत्र का लगता है, अरे अनाथ क्रिया
अनाथ की भी प्रेत क्रिया की जा सकती है, पर गया से मुक्ति क्यों नहीं? गया उनको तारता है जो थोड़ा बहुत पाप करते हैं। इसने तो थोक में पाप किया है। गया इसलिए पाप से मुक्ति दिलाता है क्योंकि गया में भगवान श्री हरि का एक चरण है। पर जब तक इसको दोनों चरण नहीं मिलेंगे तब तक इसकी मुक्ति संभव नहीं है। भाई मेरे लिए कोई उपाय करो। भगवान भास्कर की उपासना की, आदेश हुआ सप्ताहे वाचनम कुरु, और गोकर्ण जी ने भागवत सप्ताह का आयोजन किया। सात गांठ का बांस लगाया क्योंकि वो प्रेत था, उसको बैठने के लिए स्थान दिया गया। क्योंकि हमारा जो ये शरीर है इसमें सात ही गांठ है, स्थान दिया गया। और महाराज कथा शुरू हुई, ग्रंथि छूटती गई, बांस की नहीं छूटी। कई लोग सोचते हैं बांस फटता गया तो बांस फट जाएगा। कई बार लोग घरों में कथा कराते हैं, वो सोचते हैं हमारे यहां तो बांस फटा ही नहीं। बांस की ग्रंथि टूटने से कोई मतलब हल नहीं होगा। ये जो हमारी जो ये ग्रंथियां हैं, अज्ञान की जो ग्रंथि पड़ी हुई है, जब वो छूटेगी, वो टूटेगी, वो फटेगी, तब हमारा कल्याण होगा। और महाराज सातवें दिन सातवीं ग्रंथि पटी, दिव्य रूप शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषित प्रकट हो गए। विमान आया, विमान में बैठ के चले गए। जो श्रोता थे गांव वाले, वो बेचारे एक दूसरे का मुख देखने लगे, कथा तो हमने सुनी, कथा तो हमने सुनी, पर एक ही विमान आया, ये भेद कैसे हो गया? तो आकाशवाणी हुई कि जैसे धुंधकारी ने सुनी थी वैसे किसी ने नहीं सुनी। दोबारा गोकर्ण जी ने अपने गांव के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत का आयोजन कराया। और जैसे रामावतार में रघुनाथ जी अयोध्या वासियों को साथ में लेकर के साकेत के लिए प्रस्थान किया, ऐसे ही गोकर्ण जी ने अपने पूरे गांव का कल्याण कर दिया। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भागवती च धन्या। एक भक्त के प्रभाव से, एक संत के प्रभाव से लाखों लाखों जीवों का कल्याण नहीं था। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। सूत जी कहते सोनक ऐसे महान प्रेत धुंधकारी का भी कल्याण हुआ। और श्रीमद् भागवत की महिमा का बखान करते हुए श्रवण करने की विधि आदि वक्ता और श्रोता का निरूपण सुनाया। वक्ता कैसा चाहिए? अर्थार्थी और परमार्थी। वक्ता अर्थार्थी हो और श्रोता परमार्थी हो तो मामला जमता नहीं है। श्रोता भी परमार्थी हो और वक्ता भी परमार्थी हो तो बात समझ में आती है। वक्ता ऐसा चाहिए जाके लोभ न काम। एक कंडीशन है, पर हमारी भी कंडीशन है कि श्रोता ऐसा चाहिए जाके रोम रोम में श्याम। वक्ता ब्राह्मण हो, वैष्णव हो, विरक्त हो, नियम आदि का निरूपण करते हुए आए। प्रथम स्कंध में प्रवेश करें। श्री राधे गोविंदा मन भजे हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजे हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजे हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजे
शुभारंभ में तीन श्लोक में मंगलाचरण किया गया। इस पर भागवत के विद्वान जन कहते हैं पहला मंगलाचरण वेद व्यास जी के द्वारा किया गया, दूसरा मंगलाचरण सूत जी के द्वारा किया गया, तीसरा मंगलाचरण सुखदेव जी के द्वारा किया गया, जिससे रामचरितमानस को चार लोग गा रहे हैं। याज्ञवल्क्य जी वक्ता हैं, भरद्वाज जी श्रोता हैं, महादेव वक्ता हैं, पार्वती श्रोता हैं, काकभूषण जी वक्ता हैं, गरुण जी श्रोता हैं, पर गोस्वामी तुलसीदास जी वक्ता हैं, यहां पर श्रोता नजर नहीं आ रहे थे। अब गोस्वामी जी ने सोचा कि सबसे अच्छा है कि इस मन को सुना दो, और ये अपना मन जब सुन लेगा ना तभी काम बनेगा, जब तक मन नहीं सुनेगा तो काम बनने वाला नहीं है। इसलिए शास्त्र कहता है नैव आत्मा प्रवचने न लब्धा, वो परमात्मा प्रवचन के द्वारा प्राप्त नहीं होता, पर सुनने वालों को प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो कहने वाला है वो अपने आप को नहीं सुनाता। गोस्वामी जी ने समाज को यह संदेशा दिया कि यदि सुनाना है तो अपने आप को सुना लो, जब तुम सुनोगे तो सारी दुनिया तुम्हारी बात सुनेगी, जब खुद नहीं सुनोगे कौन सुनेगा, किसको टाइम है। तो जैसे रामचरितमानस चार घाटों से इसका वाचन होता है, ऐसे ही यहां त्रिविध ताप को हरण करने वाली भागवत तीन के द्वारा इसका वाचन हो रहा है। पहला श्लोक मंगलाचरण का बड़ा अद्भुत है, पहला शब्द ही बड़ा अद्भुत है और पहला अक्षर ही बड़ा अलौकिक है। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतस्य चार्थे सुविज्ञः स्वराज तेने ब्रह्मगदागयाधिकवया मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो बारिभजाम यथा विनमयो यत्र त्रिसर्गो मृषाम धामना सेन सदा निरस्तकुहुकम् सत्यम परम धीमहि। जन्माद्यस्य यतः ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है, पर विद्वान ने उसको मंगलाचरण माना, इसलिए अथारो ब्रह्म जिज्ञासा को पहला माना, पर पहला सूत्र जन्माद्यस्य यतः मानो श्रीमद् भागवत महापुराण ब्रह्म सूत्र की व्याख्या है। इसमें जो पहला अक्षर है जा, और भारतीय संस्कृति में जा की बड़ी महिमा है, दिन रात जिसको देखो जय हो जय हो जय हो जय हो। जितनी भी स्तुतियां हैं प्रायः करके जा अक्षर से ही शुभारंभ होती है, प्रायः करके कुछ हैं पर प्रायः करके जितनी परमात्मा की स्तुतियां हैं वो जा से ही प्रारंभ होती है। जा में क्या ऐसा प्रभाव है, तो जा को दग्धाक्षर कहा गया है, जा दग्धाक्षर है, जकारो जन्म विच्छेदः, जा का उच्चारण करने मात्र से जन्म और मृत्यु का चक्कर समाप्त हो जाता है, इसलिए सारी स्तुतियां जा से ही प्रायः करके प्रारंभ होती है। आप रामचरितमानस में चले, पहली स्तुति ब्रह्मा जी के द्वारा जो की गई, जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत फाल भगवान। वेदों ने भी स्तुति रामचरितमानस में की, वो भी जा से। भागवत में आ जाओ, गोपियों ने भी स्तुति की गोपी गीत के माध्यम से, वो भी जा से। जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वत
श्रीमद् भागवत में वेदों ने भी जो स्तुति गाई, जय 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 जामजित दोष ग्रभीत गुण, मानो ये भागवत का पहला अक्षर संकेत कर रहा है कि मुक्ति के लिए एक अक्षर काफी है। इसीलिए वाल्मीकि रामायण में चरितम रघुनाथस्य सतकोटि प्रविस्तरम एकैक अक्षरम पुंसाम महापातकना। भागवत डिमडिघोष कर रहा है कि इसका एक अक्षर भी मुक्ति के साधन में सामर्थ्य रखता है। जन्माद्यश्रेता जो परमात्मा जन्म मृत्यु और संहार के हेतु हैं, इतना सब कुछ होने के बाद भी कभी कहते नहीं ये मैंने किया। तो अर्जुन को जरूरत थी वहां पर, इसलिए भगवान ने विभूतियों का उपदेश दे दिया। युद्ध के मैदान में नहीं होता, हाथ नहीं कांपते तो भगवान नहीं कहते। वहां भगवान ने अर्जुन को कहा कि ये मैं हूं, ये मैं हूं, वहां जरूरत थी। नहीं, सहज में भगवान ने कभी नहीं कहा। स्वयं सुराट हैं जिनकी सत्ता बिना वोट की है। सुराट जिनकी लीला में मुहियत यत सूर है, बड़े बड़े सूर, वो तो हमारे सूर हैं जो बॉर्डर पर खड़े हैं, पर यहां जिसकी व्याख्या की जा रही है, जिसकी चर्चा हो रही है, सदा विष्णु पदम पश्यत यत सूरया,